أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں بیالوجی وتھ عبد الرحمن خان ہم پڑھ رہے ہیں کے لیے ان بیالوجی تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فورسٹری فورسٹری کے بارے میں جانیں گے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ فورسٹری کیا ہے تو اس کے ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں फॉरेस्ट्री क्या है फॉरेस्ट्री यानी पौधे लगाना बहुत सारे एरियाज पे अगर हम पौधे लगाएंगे तो क्या बन जाता है हमारे पास फॉरेस्ट लेकिन जब वो हम पढ़ लेंगे जो हमारे पास प्रोफेशनिस्ट होता है उसको हम फॉरेस्ट्री के अंदर हम उसको पढ़ेंगे कि हम फॉरेस्ट को कैसे वो बेहतरी की तरफ उनको लाए जा सकते हैं तो हम क्या करेंगे फॉरेस्ट्री के अंदर हम उसको स्टडी करेंगे तो फॉरेस्ट्री क्या है इट इज द साइंस ऑफ मैनेजिंग क्या करते हैं इसमें इसके अंदर हम मैनेज करते हैं किस चीज को मैनेज करते हैं फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं एंड केयरिंग ऑफ फॉरेस्ट क्या करते हैं हम फॉरेस्ट लगाते हैं और उसको मैनेज करते हैं किस चीज के अंदर फॉरेस्ट्री के अंदर ठीक है इट्स कॉल्ड फॉरेस्ट्री यानी जो हमारे पास जो मेंबर या पर्सन ऑफ द फॉरेस्ट होता है वो क्या करता है सजेशन देता है या इन्फॉर्म करता है किसको हुकूमत को गवर्नमेंट को और वो ये तजावीज देते हैं कि खुला एरिया जो हमारे पास है या खुला जो हमारे पास इन्वायरमेंट है वो सुटेबल फॉर फॉरेस्ट है तो इन्फॉर्म करते हैं या उनको सजेशन देते हैं ठीक है मेंबर आर पर्सन ऑफ फॉरेस्ट्री गिव सजेशन किसको कहते हैं तजावीज को कहते हैं एंड इन्फॉर्म वो खबरदार करता है किसके हवाले से द गवर्नमेंट फॉर सुटेबल एनवायरनमेंट जो मौजूद माहौल होता है किस चीज के लिए फॉर फॉरेस्ट्रेशन तो उसको इन्फॉर्म करता है यानी ये जो हमारे पास क्या होता है फॉरेस्ट्री के जो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं हेल्प द गवर्नमेंट हुकूमत की हेल्प करती है किस चीज के हवाले से उनको इंफॉर्मेशन देती है कि खुला जो एनवायरनमेंट है वो सुटेबल फॉर द फॉरेस्ट्री है वहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर हम बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं और जंगलात हम तैयार कर सकते हैं ठीक है यानी उसके अंदर हम क्या करते हैं जो फॉरेस्ट्री है इंक्लूड ट्री कि हम जो हमारे पास ट्री होते हैं उनको हम कैसे ग्रो कर सकेंगे प्लांटेशन हम ट्री की प्लांटेशन हम किस तरह करेंगे ग्रूमिंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट कि हम आर्टिफिशियल यानी मेन मेन फॉरेस्ट को हम कैसे तैयार करेंगे एक हमारे पास होता है वो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट होता है आजकल एक फॉरेस्ट मियावाकी फॉरेस्ट्रेशन आया है उनके जरिए से हम बड़ी आसानी के साथ फॉरेस्ट को उगा सकते हैं इससे जो अगला हमारे वीडियो होगा इंशाल्लाह मियावाकी फॉरेस्ट्रेशन पर होगा तो ज़रूर YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब मैं ये वीडियो अपलोड कर लूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे ठीक है तो इसके अंदर हम आर्टिफिशियल फॉरेस्ट को बनाएंगे और डिवेलपमेंट उसकी यानी हम एक चीज़ को अगर बना ले तो फिर उसकी डिवेलपमेंट भी करनी होती है इनके मेंटेनेंस भी करना होता है तो उसके अंदर हम इस चीज़ को डिवेलपमेंट की प्रोसेस को भी करेंगे आप अदर नेचुरल रिसोर्सेज प्रोडक्शन आउटपुट यानी उसके जरिए हम लकड़ी को भी प्रोडक्शन आउटपुट को भी उसको इंक्रीज करेंगे उनके जरिए से एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं बायो यानी लाइफ को कहते हैं और डाइवर्सिटी मतलब मुख्तलिफ जो हमारे पास मुख्तलिफ अनवाह होते हैं उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं यानी प्रेजेंट ऑफ ऑल वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड जो है उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं लेकिन अगर हम फॉरेस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फॉरेस्ट क्या करता है जो बायोडाइवर्सिटी होता है उसके लिए वो माहौल प्रोवाइड करता है उनके लिए घर भी प्रोवाइड करता है तो सब कुछ जो प्रोवाइड करता है वो क्या करता है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट के अंदर हम उसको स्टडी करते हैं कि हमने बायोडाइवर्सिटी को कैसे मैनेज करना है इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो ट्री होता है या प्लांट्स होता है फॉरेस्ट होता है वो क्या करते हैं ऑक्सीजन माहौल को प्रोवाइड करता है तो अगर ऑक्सीजन माहौल में कम है तो इसका मतलब है फॉरेस्ट ट्री कम है एनवायरनमेंट के अंदर और ये क्या है लाइफ के अगेंस्ट है और लाइफ के लिए खतरा है